हाँ नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों एक बात आपसे कहनी है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपनी मेहनत, अपना काम और अपने काम की क्वालिटी पर काम करिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ना कि जुगाड़, सिस्टम, टेक्निक। टेक्निक से मतलब ये है कि जो शॉर्टकट वाली टेक्निक है उससे थोड़ा सा बचिए। अगर कोई अच्छी तकनीकी है तो उसका लाभ लीजिए, लेकिन शॉर्टकट वाली टेक्निक से बचिए। मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा आज जो है, कई लोगों को लगता है कि जो है मेरा अपना YouTube चैनल, मेरा पेज सब बहुत फास्ट रन कर रहा है, तो इतना आसान नहीं था रन करना। लोगों ने तरह तरह के जो है मुझे सुझाव दिए। जैसे किसी ने कहा कि 3-4 मोबाइल ले लो और अपने YouTube चैनल का वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना के डाल लो और वही चारों मोबाइल में रात भर बजा दिया करो, तुम्हारा जो है 4000 घंटा पूरा हो जाएगा। 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, ये जो है हर यूट्यूबर जो भी यूट्यूब बनाता है सबसे पहले ये देखता है हमारा ये हो जाए। कुछ लोगों ने कहा तुम्हारे पास 250 लड़के हैं, उनसे YouTube पर ही जो है लाइव क्लास ले लिया करो, इससे तुम्हारा वॉच टाइम कवर हो जाएगा। तरह तरह के सुझाव लोगों ने मुझे दिए, लेकिन मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, इस तरह के सुझावों पर अमल नहीं किया। मैंने अपने चाहने वाले लोगों से ज़रूर कहा कि भाई पसंद आता है तो देखिए हमारा जो है चैनल है, पेज है, और नहीं भी पसंद आता है तब भी भाई सपोर्ट करिए। बट जो अपने मोबाइल में, अपने घर वालों के मोबाइल में, अपने जानने वाले मोबाइल में बजा के अलमारी में रखने का काम मैंने नहीं किया। धीरे धीरे हाँ, अपने कंटेंट पर मैं हमेशा काम करता रहा, कोशिश करता रहा कि अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को दे सकूँ, जो उससे कुछ जानकारी आपको मिल सके, कम कुछ मनोरंजन आपका हो सके, कोई पॉजिटिव चीज़ अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आ सकती है तो वो अच्छी बात है। धीरे धीरे आप लोगों ने पसंद करना शुरू किया, और जहाँ 4000 घंटे मेरे 1.5 साल में पूरे हुए, वहीं आज की डेट में 3000 घंटे प्रतिदिन देखा जा रहा हूँ। अगर पेज और YouTube चैनल दोनों को मिला दिया जाए तो डेली 3000 घंटे इस समय लोग मुझे देख रहे हैं, और वो लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे जो है चैनल में, पेज में सफलता इसलिए मिली क्योंकि मैंने जो है अपने काम पर फोकस किया, वीडियो की क्वालिटी पर काम किया और अच्छी चीज़ें देने पर काम किया, न कि टेक्निक अपनाई कि इस टेक्निक से लोग देख लें। तो आप लोग भी किसी भी क्षेत्र में, YouTube के क्षेत्र में, Facebook के क्षेत्र में, या पढ़ाई के क्षेत्र में, या किसी काम के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मेहनत और अपने काम पे भरोसा रखिए। बशीर बद्र साहब ने बड़ा अच्छा एक शेर कहा है, बड़ी अच्छी गज़ल पूरी कही है, उसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल की कश्तियों ने समंदर नहीं देखा। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल की कश्तियों ने समंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, राहों में हमने मील का पत्थर नहीं देखा, राहों में हमने मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मिले हैं मुझे क्या यूं ही नसीब से, ये फूल मिले हैं मुझे क्या यूं ही नसीब से, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और इस वक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, इस वक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, अरसा हुआ मैंने अपना घर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो बस मेहनत पर, क्वालिटी पर काम करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में आप रहेंगे सफलता मिलेगी, सफलता शॉर्टकट से कभी नहीं मिलती है, और शॉर्टकट से मिली सफलता शॉर्टकट से ही चली जाती है। ओके, जय हिंद, जय भारत।